सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो डाउट्स हैं उनको देखते हैं। सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व फॉर एक्स। एक्स की वैल्यू हमको निकालनी है, तो एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 17/x। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 17/x प्लस 1 माइनस एक्स बाय एक्स। सो दिस इज गोइंग टू बी 17 प्लस 1 इज 18, 18 माइनस एक्स अपॉन एक्स, दिस इज एक्स प्लस 3 बाय एक्स माइनस 2। नेक्स्ट इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू ये टर्म यहाँ पे, इसको ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 18 इंटू एक्स इज 18x, 18 इंटू माइनस 2 इज माइनस 36, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा 2x। ये टर्म हम लोग लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा 2x2। 36 को भी यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो प्लस 36, यहाँ पे 3x है और यहाँ पे आएगा 18 प्लस 2 इज 20x। इसको भी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो 2x2 प्लस 36 माइनस 17x इज इक्वल टू 0। सो विल हैव 2x2 माइनस 17x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमको करना है फैक्टराइज, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 36 के साथ, 36 लिखा जा सकता है 6 इंटू 6, तो 2 इंटू 6 को लिखेंगे 3 इंटू 2, इंटू 6 को लिखेंगे 3 इंटू 2। नाउ यहाँ से दो दो फैक्टर्स हम लोग बना सकते हैं, 3 इंटू 3 होगा 9, 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा 8, 8 एंड 9, 8 प्लस 9 होता है 17। सो नाउ 2x2 माइनस 8x माइनस 9x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन निकाल दो, तो x माइनस 4 माइनस 9 कॉमन निकाल दो, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 9 इंटू x माइनस 4 इज 0। फ्रॉम हेयर यू गेट x इज 9/2, x इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ 2x अपॉन x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 टू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये हमको दिया हुआ है। हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये टर्म इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म इधर, तो यहाँ पे आएगा 2x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल प्लस एक्स माइनस 3, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, डिवीजन में आएगा एक्स माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये कंबाइन हो जाएंगे टर्म्स, और डिनोमिनेटर राइट साइड पे जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो सिर्फ ऊपर का टर्म बच जाएगा। तो यहाँ पे जो ऊपर का टर्म है वो क्या है, 2x इंटू 2x दैट इज 4x2, 2x इंटू 3 6x प्लस एक्स माइनस 3 प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आएगा 4x2 प्लस 6 प्लस 3 इज 9, 9 प्लस 1 इज 10, सो 10x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 9 माइनस 3 इज 6। तो आप 2 से डिवाइड कर दो, तो 2x2 प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2 इंटू 3 सिक्स, सिक्स के दो फैक्टर्स निकालने हैं जिनका सम 5 आता है, 2 और 3 होता है, तो 2x2 प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इनको कंबाइन करो, इनको कंबाइन करो, तो 2x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज 0, तो यू गेट 2x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज 0। एक्स का वैल्यू होगा माइनस 3/2, एक्स का वैल्यू होगा माइनस 1। तो ये इसके सॉल्यूशंस हैं।
अब उन्होंने दिया है x का वैल्यू नॉट इक्वल टू माइनस 3/2, ये नहीं होना चाहिए, तो एक ही रूट बचा x इज इक्वल टू माइनस 1। इसमें जो अगला क्वेश्चन है दैट इज 14th, उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14th, 1 by x plus 1 plus 2 upon x plus 2 is equal to 4 upon x plus 4। तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म यहाँ पे जाएगा x plus 2 plus ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2x plus 2 divided by x plus 1 x plus 2 is equal to 4 upon x plus 4। अब यहाँ पे क्या आएगा, 2x plus x is 3x plus 2 plus 2 is 4, ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे x plus 4 is equal to ये टर्म यहाँ पे 4 into x plus 1 into x plus 2, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x square plus 3x plus 2। इन दोनों को ओपन करते हैं तो 3x into x is 3x square, 3x into 4 is 12x, 4 into x is 4x and 4 4s are 16 is equal to 4x square plus 12x plus 8। सो जीरो इज इक्वल टू, सारे टर्म्स को हम लोग राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो 3x square यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे आएगा x square, ये दोनों टर्म्स हो गए, 12x 12x कैंसिल आउट होगा, 4x को राइट साइड पे शिफ्ट कर दो तो ये आएगा माइनस 4x, 16 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दो, 8 माइनस 16 इज माइनस 8। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, 8 के दो फैक्टर्स। अब देखो ये ना फैक्टराइजेबल नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे लगता है, माइनस बी, बी मतलब ये वाला टर्म, प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर माइनस 4 ए, ए मतलब यहाँ पे 1 है, ए सी, सी का वैल्यू है माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 ए, ए का वैल्यू 1 है, सो दिस इज 4 प्लस और माइनस रूट ऑफ 16, माइनस माइनस बनेगा प्लस, 4 8 जा 32 डिवाइडेड बाय 2, सो दिस इज 4 प्लस और माइनस रूट ऑफ 48 बाय 2, 4 प्लस और माइनस रूट ऑफ 12, 4 जा 48 होता है डिवाइडेड बाय 2 विच इज 4 प्लस और माइनस, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 को लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 4, ये 4 डिवाइडेड बाय 2, सो दिस इज 4 प्लस और माइनस, रूट के अंदर 4 इंटू 4, 4 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर का रूट क्या होगा, 4 इंटू रूट 3 बाय 2, सो दिस इज 2 प्लस और माइनस 2 रूट 3। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15th, सॉल्व फॉर x, तो 9x स्क्वायर माइनस 3 ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है, 9 को a और b के साथ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से अपने को दो टर्म्स बनाने हैं जिनका सम ये बीच का टर्म आता हो, 3a प्लस 3b आता हो, तो हम लोग इधर क्या करेंगे, 9 को लिखेंगे 3 इंटू 3, ए इधर लगा दिया, b इधर लगा दिया, इन दोनों का सम 3a प्लस 3b आता है, वो यहाँ पे है, तो बहुत ही सिंपल है, आगे करना है इसको, 9x स्क्वायर माइनस, इसको ओपन कर दो तो 3ax माइनस 3bx प्लस ab इज इक्वल टू 0, इनको ग्रुप करो, इनको ग्रुप करो, यहाँ पे 3x कॉमन निकल रहा है तो यहाँ पे आएगा 3x माइनस a, इन दोनों में माइनस b कॉमन निकल रहा है तो 3x माइनस a आ जाएगा इज इक्वल टू 0, दोनों में फिर 3x माइनस a ये फैक्टर कॉमन निकल रहा है, 3x माइनस b दूसरा फैक्टर इज इक्वल टू 0, तो 3x माइनस a इज 0 और 3x माइनस b इज 0, यहाँ से x का वैल्यू आएगा a बाय 3, b का वैल्यू और x का दूसरा वैल्यू आएगा b बाय 3, ठीक है, ये इसके आंसर्स है। आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के भी इसके रूट्स निकाल सकते हो, बट ये प्योर फैक्टराइजेशन अप्रोच से हम लोग इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग जाते हैं सेक्शन डी पे, सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 2, इफ द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन ए पी इज 21, सम ऑफ थ्री नंबर्स इन ए पी इज 21,
एंड देयर प्रोडक्ट इज 231, देयर प्रोडक्ट इज 231, फाइंड द नंबर्स. ओके नाउ तीन नंबर्स एपी में है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो उसको हमको ऐसे लेना है ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी. ये डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, तो इनका जो सम है वो है 21. अच्छा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि इस नंबर में डी ऐड करोगे तो ये मिलता है, डी ऐड करोगे तो ये मिलता है, कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओगे तो आपको प्रोग्रेसिव टर्म्स मिलते हैं. अब इन तीनों का जो सम है वो 21 है, तो इन तीनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, माइनस डी प्लस डी कैंसिल आउट होगा, ए प्लस ए प्लस ए दैट इज 3 ए, ये 21 होगा, ए का वैल्यू आएगा 7. नाउ देयर प्रोडक्ट इज 231, तो इनका प्रोडक्ट लगाते हैं, ए का वैल्यू 7 है तो 7 माइनस डी 7, 7 प्लस डी, तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, 7 माइनस डी इंटू 7 इंटू 7 प्लस डी, ये प्रोडक्ट है 231. तो अब क्या होगा यहाँ पे, 7 माइनस डी इंटू 7 प्लस डी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 231 बाय 7, तो 7 थ्री ज़ा 21, 7 थ्री ज़ा 21 ऐसे आ जाएगा. सो 7 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज 33, 7 स्क्वायर मतलब 49, 49 माइनस डी स्क्वायर इज 33, तो 49 माइनस 33 होगा डी स्क्वायर, यहाँ से डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 16, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी 4 या माइनस 4. तो अब हम लोग ये चीज़ें डी का वैल्यू 4 यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है, तो 7 माइनस 4 7 एंड 7 प्लस 4, ये तीन वो नंबर्स है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले, या तो डी का वैल्यू माइनस 4 पुट करेंगे यहाँ पे, तो 7 माइनस माइनस 4 7 एंड 7 माइनस 4, सो दिस इज 3 कॉमा 7 कॉमा 11 एंड यहाँ पे आएगा 11 कॉमा 7 कॉमा 3. उसके बाद देते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 2 लेस दैन इट्स डिनोमिनेटर. तो उन्होंने बोला है न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज टू लेस देन डिनोमिनेटर. तो लेट्स से वो जो फ्रैक्शन है वो है एक्स अपॉन वाई, ये फ्रैक्शन है, तो न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन मतलब एक्स इज टू लेस देन द डिनोमिनेटर, तो वाई में से टू सब्ट्रैक्ट करो तो टू लेस देन द डिनोमिनेटर. उसके बाद क्या दिया है, इफ़ थ्री इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर आप न्यूमरेटर में भी थ्री ऐड करते हो डिनोमिनेटर में भी थ्री ऐड करते हो, सम ऑफ द न्यू एंड ओरिजिनल फ्रैक्शन, ये नया फ्रैक्शन और ओरिजिनल फ्रैक्शन मतलब ये, इन दोनों का जो सम है ये आता है 5/6, ये दिया हुआ है. तो पहले तो ये दिया है न्यूमरेटर इज टू लेस दैन द डिनोमिनेटर, एंड फिर अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करते हो तो नया फ्रैक्शन प्लस पुराना फ्रैक्शन जो है उसका सम है 5/6. तो इन दोनों को अपने को सॉल्व करना है, मतलब हमको फ्रैक्शन निकालना है एक्स अपॉन वाई, ये फ्रैक्शन निकालना है. तो एक्स का वैल्यू वाई माइनस टू हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वाई माइनस टू प्लस थ्री अपॉन वाई प्लस थ्री प्लस वाई माइनस टू अपॉन वाई इज इक्वल टू 5/6, वाई प्लस वन अपॉन वाई प्लस थ्री प्लस वाई माइनस टू अपॉन वाई इज इक्वल टू 5/6. इसको आगे सॉल्व करना होगा, तो y को इधर मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे आएगा y स्क्वायर प्लस y प्लस ये इधर मल्टीप्लाई करो y माइनस टू इंटू वाई प्लस थ्री डिवाइडेड बाय y y प्लस थ्री इज इक्वल टू 5/6. तो यहाँ पे आएगा y स्क्वायर प्लस y प्लस इनको ओपन करो, तो y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2y माइनस 6 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर प्लस 3y इज इक्वल टू 5/6. तो यहाँ पे इफेक्टिव टर्म्स क्या आएंगे, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आएगा 2y स्क्वायर. यहाँ पे देखो 3y माइनस 2y दैट इज y, y प्लस y इज 2y, तो ये टर्म हो गया, ये टर्म हो गया, ये सब टर्म्स ले लिए हमने, यहाँ पे है माइनस 6 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर प्लस 3y
इज इक्वल टू 5/6। तो 6 को अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12y² प्लस 12y-36 इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे 5y² प्लस 15y, ये 5y² यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो 7y² आएगा, ये टर्म यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो -3y आएगा, -36 इज इक्वल टू 0। अब बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 36 के साथ, 36 मतलब 6 इंटू 6